गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन देख रहे थे ट्वेल्थ क्लास का क्या देख रहे थे भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। उसके बाद जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, नया अध्याय है जिसको कहते हैं आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत। कौन सा है भाई आपका अध्याय? तीसरा। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपन वंशा गति और विविधता का सिद्धांत। क्लियर है? कौन टॉपिक है भाई? वंशा गति और विविधता का सिद्धांत। तो पहले छोटे छोटे चीजों को देखते हैं कि वंशा गति क्या है, उसके बाद टॉपिक के अंदर से। वंशा गति मतलब इसको कहते हैं हेरेडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हेरेडिटी मतलब इसको कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी मतलब होता है जीन। क्या होता है भाई? जीन। ये देखिएगा आनुवंशिकी मतलब वंशागति। मतलब क्या होता है कि जो पैतृक कोशिकाओं का जो आनुवंशिक पदार्थ अपने पुत्री कोशिकाओं में क्या होना, स्थानांतरण होना, वो कहलाता है वंशागति। मतलब जीन जो होता है, क्या होगा भाई? जीन जो होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसे क्या कहते हैं भाई? वंशा गति कहते। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरण हो रहा है वो कौन हो रहा है? जीन। मतलब कौन होगा? आनुवंशिक पदार्थ होगा, जैसे डीएनए और आरएनए होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि पैतृक कोशिकाओं से क्या होता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और पैतृक कोशिकाओं का जो आनुवंशिक पदार्थ होगा ये पुत्री कोशिकाओं में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। मतलब लैंगिक जनन के ही कारण आनुवंशिक पदार्थ एक स्थान से या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इसे क्या कहते हैं भाई? हेरेडिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कहता है एक जीव की, मतलब एक जीव की एक पीढ़ी से उसी जीव का दूसरे पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरण होना। किसका? आनुवंशिक पदार्थ का। उसे क्या कहते हैं? अपन आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका क्या हुआ भाई? हेरेडिटी। ये हेरिडिटी में क्या कहते हैं भाई? जीन का अध्ययन किया जाता है, या इसी को कहा जाता है आपका जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स शब्द को 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा नामक वैज्ञानिक ने? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में आनुवंशिकी शब्द को दिया था। क्लियर हुआ? फिर जैसे आनुवंशिकी शब्द को दिया तो जो पूरे कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता का पितामह कौन होगा भाई? आपका ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। कौन होगा भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। इसके फादर आप क्या कहते हैं भाई? अपन पिता मह कहा जाता है। किसका? तो आनुवंशिकी का पिता मह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को पिता मह कहा जाता है। फिर कहता है भाई कि ये जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जहां लैंगिक जनन होगा, वहां जीवो में क्या होगा भाई? आपका वेरिएशन होगा। वेरिएशन मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं होती। ये जो विभिन्नताएं होगा किसके कारण होता है? तो लैंगिक जनन के ही कारण क्या होता है? विभिन्नताएं होती है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं ये जो विभिन्नताएं होगा वो कैसे विभिन्नताएं होता है। देखिएगा विभिन्नताएं मतलब क्या होता है भाई? आपका वेरिएशन होगा। क्लियर है? तो ये जो वेरिएशन होता है ये अलग अलग क्या होता है, प्रकार का वेरिएशन होता है। क्लियर हुआ? देखिएगा ये जो वेरिएशन होगा ये कैसा वेरिएशन होगा, इधर देखिएगा। वेरिएशन मतलब क्या होता है भाई? आपका विभिन्नता है। ठीक, किसी भी जीव के, किसी भी क्या होगा, जीव के जीन में क्या होता है भाई? वेरिएशन होता है, मतलब विभिन्नता होती है। कैसे? तो इसके सीक्वेंस में। किसमें भाई? आपका सीक्वेंस में।
जैसे एडिनिन क्या होगा आपका, एडिनिन थायमिन, थायमिन क्या होगा थायमिन एडिनिन होगा, एडिनिन क्या होगा थायमिन होगा, साइटोसिन क्या होगा ग्वानिन होगा। ये मान लीजिएगा ये हमारे में इस प्रकार के सीक्वेंस है, लेकिन हमारे बच्चे के में हो सकता है कि उसके जगह थायमिन की जगह क्या हो जाएगा एडिनिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन हो जाएगा, फिर एडिनिन क्या हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, फिर थायमिन क्या हो जाएगा एडिनिन, फिर ग्वानिन क्या हो जाएगा साइटोसिन। ये हमारे बच्चे में इस टाइप के क्या हो सकता है सीक्वेंस, ये हमारे में हुआ और ये हमारे बच्चे में हुआ, मतलब उसके जीन में भी क्या हो रहा है सीक्वेंस में भी चेंजेस आ रहा है। जब उसके जीन में भी चेंजेस आ रहा है तो उसका फिनोटाइप भी क्या होगा अलग होगा, मतलब उसकी संरचना अलग होगा, उसका कार्यकी अलग होगा, मतलब उसका रंग भी अलग होगा, उसका भेद भी अलग होगा, कुल मिला के सभी प्रकार के उसके में क्या होना भी आपका चेंजेस होना, वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है वेरिएशन कहलाता है। और ये विभिन्नता सिर्फ किसके कारण होती है, लैंगिक जनन के कारण क्या होती है विभिन्नता होती, जबकि अलैंगिक जनन में जीवों का विभिन्नता नहीं होता, सिर्फ जीवों के लैंगिक जनन के ही कारण क्या होता है विभिन्नता होता है। इसी के आधार पर विभिन्नता को तीन प्रकारों में बांटा गया है, इसके आधार पर बांटा गया है विभिन्नता को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है, दूसरा होता है स्पीशीज विभिन्नता, और तीसरा होता है आपका इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हुआ, कितना प्रकार का होगा भाई आपका, तीन प्रकार के विभिन्नता है। क्लियर हुआ, विभिन्नता मतलब क्या कहता है, जीव आदि में उपस्थित संरचनात्मक कार्यकी एवं असामान्य लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई विभिन्नता कहते हैं। ये जो भिन्नता होगा वो कितने टाइप का होगा, थ्री टाइप से होगा, मतलब तीन प्रकार का होगा। पहला जो होगा वो कहलाता है आपका जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वेरिएशन, जेनेटिक्स वेरिएशन मतलब होता है आनुवांशिकी विभिन्नता। दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन होगा भाई आपका, स्पीशीज विभिन्नता, क्या होगा भाई स्पीशीज वेरिएशन। और तीसरा जो होगा जिसको क्या कहते हैं भाई अपन, इकोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इकोलॉजिकल वेरिएशन। तो जनरली कितने प्रकार का विभिन्नता मिलेगा, तीन प्रकार का, पहला जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी वेरिएशन, दूसरा होगा स्पीशीज मतलब जाति विभिन्नता, तीसरा होगा इकोलॉजिकल वेरिएशन मतलब पर्यावरण विभिन्नता होगा। तो पहला अपन देख रहे थे क्या देख रहे थे भाई आप लोग का, आनुवांशिकी विभिन्नता देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई आनुवांशिकी विभिन्नता देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो आनुवांशिक विभिन्नता मतलब कौन होता है, जेनेटिक वेरिएशन। जैसे कि मान लीजिएगा ये मम्मी और ये क्या हुए पापा, इसका आनुवांशिक पदार्थ ऐसा, इसका आनुवांशिक पदार्थ ऐसा, इसके बच्चे में आया इस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ आया, तो इसका जो जीन था वो अलग अलग है, ठीक है, और इसका जीन क्या हो गया एक अलग प्रकार के आया, ठीक है, मतलब जो मम्मी का जीन और पापा का जीन दोनों में एक नया जीन का निर्माण किया और एक नया पुत्री कोशिका का क्या किया निर्माण किया, मतलब ये जो पैतृक कोशिकाओं का जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वही पुत्री कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ का क्या करेगा निर्माण करेगा। तो ये कहलाता है आपका जेनेटिक वेरिएशन, जिसके कारण हमारे जीन का सिक्वेंस में क्या होता है परिवर्तन होता है, इसी कारण हम अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा क्या होते हैं हट के दिखते हैं, लेकिन कुछ लक्षण हमारे कैसा होता है मम्मी पापा के समान होता है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं भाई आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। क्लियर है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है भाई आपका, मतलब जनकों के संतानियों में क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होना, ये कहलाता है आपका आनुवांशिक विभिन्नता कहलाता है। दूसरा होता है आपका स्पीशीज विभिन्नता, स्पीशीज मतलब जाति विभिन्नता, जाति मतलब देखिएगा कोई होता है किसमें आता है मानव जाति में आएगा, कोई किसमें आता है आपका पशु जाति में आता है, कोई पादप जाति में आता है, तो ये स्पीशीज के आधार पर इन सब भी क्या होता है अलग अलग होता है, इस कारण से हम क्या कहते हैं आपका स्पीशीज वेरिएशन कहते हैं, मतलब जाति विभिन्नता कहते हैं। क्लियर हुआ, मतलब अलग अलग से होगा है, जैसे मानव है पशु है पक्षी है घोंगा है, ये सब क्या होता है अलग अलग जाति है, इस कारण से क्या कहते हैं व्यापार स्पीशीज वेरिएशन कहते हैं। अगला होता है आपका इकोलॉजिकल वेरिएशन, इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है पर्यावरण
या वातावरणीय विभिन्नताएं कहते हैं। तो देखिएगा वातावरणीय विभिन्नताएं मतलब वातावरण में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं भाई, आपका जीव जंतु तो है लेकिन इसके साथ साथ ये वातावरण में आता है आपका जलवायु आएगा, कौन आएगा आपका जलवायु, इसके साथ साथ आपका मिट्टी का ढलान आएगा, कहीं पास मिट्टी क्या होगा आपका समतल होगा, कहीं पास छोटा पेड़ पौधा है और कहीं पास क्या है बड़ा पेड़ पौधा है। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है भी आपका वातावरण में विभिन्नता होगी। जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस कहाँ रहता है आपका सॉइल में, कोई कहाँ रहता है आपका जल में और कोई कहाँ रहता है एयर में, इसके आधार पर भी इसमें क्या होता है जीव जंतु में इसमें वेरिएशन आता है, ये कहलाता है आपका वातावरणीय विभिन्नता कहलाता है। क्लियर हुआ। जैसे कि कहता है कुछ ऐसे होते हैं जिसको क्लोन तैयार किया जाता है तो सेम उसी का क्या करना निर्माण करना वो कहलाता है आपका क्लोन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण भाई विभिन्नता क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो देखते हैं आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण। तो ये तीन प्रकार के मैंने आप लोग को विभिन्नता बताया, अब देखते हैं इसके कारण, कारण मतलब क्यों होता है ऐसा विभिन्नता। देखते हैं भाई आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण, ये देखिएगा आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण। तो देखिए आपको पता है आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण, ये जो आनुवंशिकी विभिन्नता के बहुत सारे क्या होते हैं कारण होते हैं, इसमें पहला कहता है मूल पुरुषत्व की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। पहला क्या होता है भाई मूलभूत या मूल रूप से क्या होता है भाई आपका मूल रूप से गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण होता है भाई परिवर्तन के कारण होता है। अगर पूछेगा वेरिएशन किसके कारण होता है तो मूल रूप से गुणसूत्र के क्या होता है आपका संख्या और उसकी संरचना में परिवर्तन के कारण क्या होता है आपका जीव में विभिन्नता होता है। क्लियर हुआ भाई। जैसे कि मान लीजिएगा मनुष्य में टू एन बाबर कितना हुआ 46 है, मान लीजिएगा टू एन बाबर 46-1 हो गया, एक गुणसूत्र की कमी हो गया, जब एक गुणसूत्र की कमी हो गया तो वो क्या लाता है मोनोसोमिक कहलाया, क्या कहलाया मोनोसोमिक। तो मनुष्य में टू एन बाबर कितना गुणसूत्र बच गया 45 बच जाएगा, तो कमी हुआ तो क्या कहते हैं इसको मोनोसोमिक कहते हैं। अगर मान लीजिएगा टू एन बाबर कितना है आपका 46 है प्लस 1 हो जाएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 47, तो जब 2n बराबर 47 हुआ तो इसको क्या कहते हैं बढ़ोतरी हुआ, तो क्या कहलाता है आपका ट्राइसोमिक, इसको कहते हैं वृद्धि। तो इन सभी के कारण भी क्या होता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। तो यह हो गया संख्या में परिवर्तन, उसी प्रकार से संरचना में परिवर्तन हो सकता है भाई। जैसे कि देखिएगा एक गुणसूत्र का क्या है आपका संरचना, हो सकता है गुणसूत्र में ऐसा हो गया, ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या होता है परिवर्तन होता है। क्लियर हुआ। दूसरा कहता है भाई आपका, दूसरा कहता है गुणसूत्र में तो क्या होना भाई संरचना में परिवर्तन, तो संरचना में परिवर्तन को बता दिया, उसी में लिखवा दिया हूं गुणसूत्र के क्या होता है भाई संरचना में परिवर्तन। तो संरचना में परिवर्तन मतलब मान लीजिएगा संरचना मतलब देखिएगा ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 अचानक क्या होता है इसमें 2 3 4 5 6 एक का डिलीशन हो गया, या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 का डिलीशन हो सकता है, या हो सकता है ऐसा हो 1 2 3 5 6 तो यहाँ पर देखिएगा एक का डिलीट हुआ है, यहाँ कितना डिलीट हुआ है 6 डिलीट हुआ है, यहाँ पर कितना डिलीट हुआ है 4, मतलब गुणसूत्र के किसी एक भाग का खंडित होके क्या हो जाना अलग हो जाना या डिलीट हो जाना वो कहलाता है इसकी संरचना में परिवर्तन। अगर मनुष्य के ये पांचवें नंबर पे हुआ, कौन सा नंबर पे हुआ, पांचवें नंबर के गुणसूत्र में अगर परिवर्तन होता है तो उसको एक बीमारी हो जाता है जिसको कहते हैं कैट लाइक सिंड्रोम कहते हैं, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्ली के समान म्याओ म्याओ रोएगा, किसके समान रोएगा म्याओ म्याओ बिल्ली के समान रोएगा। क्लियर हुआ। ये होता है आपका इसकी संरचना में परिवर्तन।
तीसरा देखते हैं भाई आपका क्रॉसिंग ओवर के दौरान अनावश्यक भिन्नता किसके कारण होगा, पहला गुरुत्व की संख्या के कारण, दूसरा क्या होगा गुरुत्व की संरचना के कारण, और तीसरा होता है आपका क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीव विनिमय के कारण। तीसरा देखते हैं भाई अपन जीव विनिमय, तीसरा क्या देखते हैं भाई अपन जीव विनिमय मतलब क्या होता है भाई आपका विनिमय मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भाई इसको क्रॉसिंग ओवर। ये कल की एग्जाम में पूछा था, नीट का अगर एग्जाम मिला होगे ठीक है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था जेनेटिक्स से, जो क्रॉसिंग ओवर क्या होता देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर मतलब कहता है दो होमोलोगस, क्या कहता है भाई दो होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, इसके बीच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या भाई क्रॉसिंग ओवर होता है, क्लियर हुआ क्या होगा भाई क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा। इधर देखिएगा ये इस प्रकार का गुणसूत्र है और इस प्रकार का गुणसूत्र मतलब दोनों समान है ए और बी, ए और बी मतलब ये भी क्या हुआ होमोलोगस है, क्या है भी आपका होमोलोगस है, क्लियर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी दोनों क्या हुआ भाई आपका होमोलोगस है, कैसा है भाई आपका होमोलोगस है। तो ये दो होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, देखिए रहे ये कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर ए बी, ए देखिएगा वन ए बी ए और बी मतलब ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर, इन दोनों के बीच क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर हुआ, इससे जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या कहते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, कहता है दो होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्लियर हुआ दोनों सेम था दोनों में से एक हो और इन दोनों सेम था दोनों में से एक हो, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसे क्या कहते हैं भाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या हुआ क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्लियर हुआ इसी अपन क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर पुष्कल विभाजन के कौन से अवस्था पर होता है तो पैकेटिंग स्टेज में होता है, ये क्वेश्चन को कल पूछा था कौन से अवस्था पर होता है तो पैकेटिंग स्टेज में होता है। तीसरा अनुवांशिक विभिन्नता के क्या हो गया कारण, चौथा देखते हैं इसमें आणविक संरचना के कारण होता है, इसके क्या होता है अपना आणविक संरचना के कारण होता है, इसके क्या होगा आणविक संरचना के कारण या डीएनए की संरचना के कारण होगा, चौथा लिखे हैं चौथा मॉलिक्यूलर या डीएनए के संरचना के कारण होता है, किस तरह होगा संरचना के कारण, तो डीएनए के संरचना के कारण भी क्या होता है भाई आपका आनुवंशिकी पदार्थ में क्या होता है विभिन्नता होता है, क्लियर हुआ। फिर कहता है इसका विभिन्नता के महत्व तो लेते हैं, अब इसका क्या लेते हैं भाई महत्व, महत्व मतलब इसका उपयोग या इंपॉर्टेंस, तो पहला कहता है विभिन्नता से नए लक्षण वाले जीव पैदा होते हैं, भाई विभिन्नता के कारण क्या होता है नए लक्षण वाले जीव का क्या होना पैदा होना, नए लक्षण वाले जीव का पैदा होना जिसके कारण हम कोई भी जीव को आसानी से क्या करते हैं पहचानते हैं, किसके कारण नए लक्षण के कारण। दूसरा कहता है भी आपका दूसरा कहता है विभिन्नता जीव में अनुकूलन पैदा करती, मतलब दूसरा क्या करता है कोई भी जीवों में अनुकूलन पैदा करती है, अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन पैदा करती है, क्या पैदा करती है एडाप्टेशन, क्लियर है एडाप्टेशन मतलब जैसे ही ठंड आता है तो आप लोग क्या पहन लेते हैं स्वेटर, जैसे ही गर्मी आते तो आप स्वेटर को क्या कर देते हैं निकाल देते हैं, ये कहलाता है आपका अनुकूलता है। तीसरा कहलाता है विभिन्नता के ही कारण नए जीवों की पहचान होती है, किसके कारण भाई आपका विभिन्नता के कारण नए जीवों की पहचान होती है, किसके पहचान होती है नए जीव की पहचान होती है, क्लियर हुआ इसी तरह हम नए जीवों को पहचानते हैं। अगला लाता है जीवों का विकासीय अनुकूल होता है, मतलब विभिन्नता के कारण जीवों का क्या होता है भाई आपका विकास होता है, क्लियर हुआ इस प्रकार से आपका क्या हुआ भाई वंशागति मतलब विभिन्नता क्या है विभिन्नता के प्रकार और इसका महत्व क्या हो गया समाप्त हो गया।
अगला वीडियो में जो पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, वो पढ़ाऊंगा आप लोग को मेंडल के वंशागति सिद्धांत। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।